श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना है। यह महीना शिव भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान होता है। जिस तरह से सावन का महीना महादेव का प्रिय है, ठीक वैसे ही सोमवार का दिन भी भगवान शिव का प्रिय वार है। इसलिए महादेव के प्रिय मास में पड़ने वाले सोमवार विशेष इच्छा पूर्ति वाले माने गए हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस दिन अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देकर उन पर कृपा बरसाते हैं। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को है। इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर के 12:30 तक है। इस साल सावन का पहला सोमवार व्रत बहुत ही शुभ योग में रखा जाएगा। ज्योतिष की माने तो 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार के दिन गुरु और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे गज केसरी योग बनेगा। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। शिव पूजा के लिए थाल तैयार करें, जिसमें चंदन, चावल, कपूर, धूप, पत्ती, बेलपत्र, धतूरा, समी के पुष्प, दूध से बनी मिठाई आदि चीजें रख लें। सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद पूजन सामग्री अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भोग में दूध से बनी मिठाई, 108 चावल के दाने या चावलों से बनी खीर अर्पण करें। इसके बाद सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें। इस प्रकार सावन सोमवार के दिन किया गया व्रत और पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार के व्रत में सिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीना चाहिए, ताकि व्रत के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके। लेकिन ध्यान रखें कि इन पेयजल में नमक न हो, क्योंकि व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन सोमवार के व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। हालांकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। व्रत में साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक से तैयार भोजन करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत फलाहार किए जाते हैं। शाम को व्रत खोलते समय कद्दू की खीर, अरबी की सब्जी, आलू, लौकी की खीर का सेवन करें। इस दिन सादे नमक की जगह आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। सोमवार व्रत के नियम के अनुसार व्रत के दौरान आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं किया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है। बेलपत्र व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के साथ ही धन संपदा भी देता है। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के किसी भी सोमवार को शिवालय में जाकर महादेव को अर्पित बेलपत्र घर ले आते हैं तो इन्हें अपने पास रखते हैं तो आप पर हमेशा महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा शिवलिंग की जलधारी का थोड़ा सा जल घर लाएं और इसे घर के सभी कोनों में छिड़क दें। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।